हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद बाय। और आज हम जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आदर्श व्यवहार क्या होता है। करेक्ट, क्या होता है आदर्श व्यवहार, हमको किस तरीके से कौन सा व्यवहार आदर्श व्यवहार कहलाएगा। ओके, देखो, हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा व्यवहार करें। ओके, हम समाज में सामंजस्य शांति चाहते हैं। करेक्ट, और हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यवहार है वो बिल्कुल अव्वल नंबर का हो। लेकिन उसके लिए हमको पता होना चाहिए ना कि वो आखिर अव्वल नंबर का जो आदर्श है, आदर्श व्यवहार है, वो होता कैसा है, क्या होता है। करेक्ट, तो जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो इसके लिए हमको क्या है, हमने पुराने वीडियो में जो पर्सनैलिटी का पार्ट टू था उसमें जाना था कि लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है, करेक्ट, उसमें एक बिहेवियरल एस्पेक्ट में एक होता है डोमिनेटिंग, एक होता है सबमिसिव। डोमिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी आदमी, ओके, कोई भी आदमी अपनी चीज तुम पर थोपना चाहता है। जनरली क्या रहता है कि हर घर में जो भी बूढ़ा आदमी रहता है, सबसे करेक्ट, जो भी बूढ़ा आदमी है वो जनरली डोमिनेटिंग रहता है। सारे डिसीजन उससे पूछने के बाद ही होने चाहिए। करेक्ट, घर पे तुम्हारे दादाजी, माँ, पापा, ओके, अम्मा जी और कोई भी नानी जी, जो भी होते हैं बूढ़े लोग, जनरली उनको माना जाता है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि वो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ओके, और उनसे हर चीज पूछ के करनी है। ओके, जनरली जैसे सासों के मामले में ये क्लियर है कि बहू को हर चीज सास से पूछ के करनी है कि दूध चढ़ा दूं कि नहीं चढ़ा दूं, कितने बजे चढ़ाऊं, किस एंगल पर चढ़ाऊं, हर चीज पूछना है उनको। करेक्ट, तो कई बार क्या होता है ना, इस डोमिनेटिंग बिहेवियर में जो पूरा आसपास का एरिया है, वातावरण है, वो घुटन जैसा होने लगता है कि साला हर चीज, हमारे पास कोई फ्रीडम ही नहीं है। ओके, हर चीज के लिए पूछो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, तो ऐसा लगता है कि रोबोट की जिंदगी जी रहे हैं। करेक्ट, तो ये एक आदर्श बिहेवियर नहीं है। अगर तुम डोमिनेटिंग बिहेवियर दिखा रहे हो किसी भी घर में और किसी भी जगह पर, तो वो एक अच्छा बिहेवियर नहीं है। ओके, अब दूसरा आता है सबमिसिव, कि डोमिनेटिंग का डायरेक्टली अपोजिट, जहां पर कि तुमने कुछ भी बोला कि यस सर, कि ये कर दो, ओके, ये कर दो, ओके। जनरली महिलाओं के बारे में, करेक्ट, और जो पत्नियां होती हैं वो जनरली जनरली ओके सबमिसिव नेचर की, और औरतें सबमिसिव नेचर की मानी जाती हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती, वो चाहती, वो हर चीज एक्सेप्ट कर लेती हैं, जिससे कि घर परिवार शांति से चलता रहे, कोई झगड़ा ना हो, ठीक है ना, सब लोग खुश रहें और चलता रहे। तो जनरली वो काफी चीजें एक्सेप्ट कर लेती हैं जो वो नहीं करना चाहती, हर चीज, तो वो सबमिसिव बिहेवियर है। ओके, तो ये बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा दमन ज्यादा हो रहा है, तुम्हारे ऊपर बेसिकली अत्याचार ज्यादा हो रहा है। तो इसमें तो ये अत्याचार कर रहा है कोई, तो वो भी बिहेवियर अच्छा नहीं है, अत्याचार करना, और अत्याचार सहना भी एक अच्छा बिहेवियर नहीं है। तो इन दोनों में से एक, ये दोनों ही बिहेवियर बेसिकली बेकार है। तो सबसे अच्छा बिहेवियर कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं असर्टिव बिहेवियर। ओके, तो अगर कोई पूछे कौन सा बिहेवियर होना चाहिए, असर्टिव बिहेवियर होना चाहिए। क्या होता है असर्टिव बिहेवियर? करेक्ट, कि असर्टिव बिहेवियर का मतलब है कि मैं किसी के सामने, करेक्ट, गलत बात पर झुकूंगा नहीं। करेक्ट, कि कोई भी अगर गलत बात कर रहा है तो मैं झुकूंगा नहीं उस पर। ओके, मैं सबमिसिव नहीं बनूंगा। और अगर कोई तार्किक बात, लॉजिकली कोई समझाने की कोशिश कर रहा है तो मैं अच्छे से सुनूंगा। ओके, और अगर वो सही लगता है तो मानूंगा उसको। ऐसा नहीं कि अपना डोमिनेटिंग नेचर भी दिखाऊंगा कि नहीं भाई, मैंने बोल दिया, करे गब्बर ने बोल दिया सो बोल दिया, अब नहीं, एक बार मैंने बोल दिया तो फिर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, चाहे वो गलत भी हो। तो वो नहीं, असर्टिव का मतलब होता है कि मैं सुनूंगा पहले। करेक्ट, मैं सुनूंगा, और अगर वो लॉजिकल है, अगर वो सही है, करेक्ट, तो आई विल एक्सेप्ट, मैं अपना गब्बरपना नहीं दिखाऊंगा। और दूसरी चीज, मैं हर चीज, अगर कोई गलत हो रहा है, ओके, तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। अगर कोई नॉट एक्सेप्ट, अगर कुछ चीज गलत हो रही है, तो इस बिहेवियर को बोलते हैं असर्टिव बिहेवियर। ये बेसिकली एक आदर्श बिहेवियर है। ओके, तो आदर्श बिहेवियर कौन सा है? असर्टिव बिहेवियर है, जिसमें कि मैं किसी गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और अगर कोई सही चीज है, ओके, और अगर वो मेरे बोलने के खिलाफ है, तो मैं उसको अच्छे से सुनूंगा और सबकी, और उसको एक्सेप्ट भी करूंगा। ये जो बिहेवियर है ना, उसको असर्टिव बिहेवियर बोलते हैं, और यही एक आदर्श बिहेवियर है साइकोलॉजी के हिसाब से। ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइकोलॉजी ने बोला है, काफी लोगों ने रिसर्च करके, ओके, हमारे जो काफी विचारक हैं, ओके, उन्होंने बोला है कि असर्टिव बिहेवियर एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर माना जाता है और एक आदर्श बिहेवियर है। ओके, धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में।
जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।